धंधा करो तो बड़ा करो परसोत्तम भाई, मरना मत करो। और भाई क्या चल रहा है? मतलब तुम्हारा क्या चल रहा है? डेट आई डोंट नो, लेकिन इंटरनेट पे कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा। तो रिसेंटली हमारे गवर्नमेंट ने टिकटॉक नाम के ऐप को बैन किया था। टिकटॉकर्स का गुनाह माफ हो गया था, इंटरनेट से कूड़ा साफ हो गया था, लोग खुशियां मना रहे थे, टिकटॉक की अस्थियां जला रहे थे, रियाज प्याज बेच रहा था, और हमारे फैजू भाई ने तो पंचर की दुकान खोली थी। इन शॉर्ट सब कुछ अच्छा चल रहा था, लाइफ सही थी, टेंशन नहीं थी। पर अचानक भगवान की तरफ प्रकट हुए हमारे मार्क जुकरबर्ग भैया और टिकटॉकर्स के मसीहा बनकर इंटरनेट पे एक ऐसी चीज को जन्म दिया जिसे देखकर देश दुनिया संसार कोरोना सब हिल गए। इंस्टाग्राम रील्स। और इसके बाद जमाने में ठुकराए टिकटॉकर्स का कुछ ऐसा रिएक्शन था। अब मानो या ना मानो, बड़ी विकट समस्या है। टिकटॉकर्स को नया घर मिल गया है जो कि बहुत जल्द गंदा होने वाला है। तो सफाई अभियान शुरू करते हैं और इनकी बेइज्जती करते हैं, वो भी इज्जत के साथ। अब तुम मेरे को एक बात बताओ, नहीं मेरे को बताओ कि इंस्टाग्राम चाहता क्या है। पहले इंस्टाग्राम पे सिर्फ फोटो अपलोड होती थी, देन वीडियो अपलोड करने का फीचर आया, स्नैपचैट की कॉपी करके स्टोरी का ऑप्शन आया, यूट्यूब की कॉपी करके IGTV का ऑप्शन आया। और भाई हद तो तब होगी जब टिकटॉक की बंद फैक्ट्री देखकर हमारे मार्क जुकरबर्ग भैया ने इंस्टाग्राम पे टिकटॉक ओपन कर दिया। नहीं तुम सोचो कि इस वक्त टिकटॉक का क्या रिएक्शन होगा। आप कीजिएगा, ये ठीक नहीं हो रहा है सर, आप गलत कर रहे हैं। देखिए मैं खुल के बोल रहा हूँ सर, सॉरी, क्षमा चाहता हूं, लेकिन आप गलत कर रहे हैं सर। अब देखो ये फैक्ट तो बिल्कुल सही है कि इंस्टाग्राम मेनली फेमस है मीम्स के लिए, और हमारे मार्क जुकरबर्ग भैया ने तो भाई मीमर्स के पेट पे लात मार दी। सांप को पाल रहा था। बीच में ना मालिक तुम्हारी गर्दन काटेंगे, तुम ही जानिए उस मालिक कपूत के। नहीं तुम सोचो, अब एक ही छत पे टिकटॉकर्स और मीमर्स साथ रहेंगे तो माहौल कैसा होगा। ले बान मोरे पाँव, पांच साले जल्दी बांध वरना नली मुंह में ठूसकर गोली मार दूंगा। अरे बांध ही दे। ले ये ले, सज गए पांव। दुनिया की टॉप से टॉप नचनिया भी ऐसा नाचने दिखाएगी, ये बजाओ। तो चलो यार, इंस्टाग्राम रील पे जो गंद फैली है उस पे प्रकाश डालते हैं। यार सबसे पहले तो स्कूल खुलवाओ, मतलब इस लॉकडाउन में कुछ हो या ना हो, बुद्धि का सर्वनाश तो पक्का हो जाएगा। मतलब ये बच्चे यार इश्क लड़ा रहे हैं। यार इनकी उम्र में जब मैं था तो मैं सोचता था कि कहीं से मुझे 10 रुपए मिल जाए कि मैं सकल अगर मुंह वाली पेंसिल खरीद सकूं। भाई ये किसका कौन सा चमत्कार ले है मेरे भाई। एक मिनट, ये वही है ना जो पहले टिकटॉक पे जड़ी बूटी का ज्ञान देता था। चलो सबसे पहले इसकी वीडियो देख लेते हैं। इसे बोलते हैं भाई मैटिफाइंग हेयर डस्ट। अभी चीज क्या करती है वो सुन लो। अगर आपके बाल घने नहीं है ना, ये आपके बालों में वॉल्यूम ले आएगा। वेट अ मिनट, ये क्या लिखा है? इफ यू वांट टू नेचुरली गेट वॉल्यूम इन योर हेयर नेचुरली। हाँ मतलब इन भाई साहब को सबसे पहले नेचुरल की मीनिंग समझाओ। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? नहीं इनका सही है, पहले टिकटॉक पे रहकर टिकटॉक की जनता का काटते थे, अब इंस्टाग्राम की जनता का काटेंगे। वैसे टिकटॉक पे एक मैडम है, मतलब थी, जिसको लगता है कि लिप सिंक बड़ा मेहनत का काम है। बोलते हैं ना लिप सिंक मेहनत की काम नहीं है, लेकिन लिप सिंक मेहनत थे, उस लेवल पे मैच करना मेहनत थे। आपका एक एक वीडियो है सर, देख लेना सर, अब तक पूछेगा तो मालूम है, देख लेना। नहीं एक बार और स्लो मोशन में। नहीं पहले म्यूजिक बज जाने दो, लिप सिंक तो बाद में भी हो जाएगी। यार इस मैडम को कोई समझाओ, सिंक करना है तो हमसे सीखे, हम तो म्यूजिक को भी डांस से सिंक कर लेते हैं। क्या ए रूपाली वाली वीडियो फिर से देखनी है?
लो रूपाली पकड़ मेरी डाली ए रूपाली बनो तुझे रानी ए रूपाली ए रूपाली ए रूपाली यो यो बंटा रैपर। अब देखो अगर तुम लॉकडाउन में मोबाइल पर गेम खेल रहे हो तो मेरे भाई वन एक्स बेट पर इतने सारे गेम है, गेम खेलकर पैसे कमाओ ना और अपने कमाए हुए पैसों को इनमें से किसी भी जरिए से अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करो। और मेरे भाई यहाँ पर तुम प्राइजेस भी जीत सकते हो। देखो ना, पहला ही प्राइज है सैमसंग गैलेक्सी नोट 10, वो भी एक नहीं 10। तो यार कमेंट में दी गई है लिंक, जाके रजिस्ट्रेशन करो। और हाँ, रजिस्ट्रेशन करना फ्री है। जादूगर है क्या? तेरे घर पे जादूगर आया था? अब देखो, मुझे पर्सनली उन लोगों को देखकर काफी गुस्सा आता था जो टिकटॉक पर रोकर वीडियो बनाते थे। अब्बे वो रोने वाले लोग इंस्टाग्राम पर भी आ गए। रियली? अब्बे क्या यूट्यूबर बनेगा रे तू? रख तेरे का वीडियो दिखाते अपन। निकल, पहली फुर्सत में निकल। तुम्हें बर्बाद किसने किया? ओमन ने। तुम्हें धोखा किसने दिया? कोमल ने। तुम्हें नशे में किसने डाला? कोमल ने। कोमल, अब मेरे साथ क्या करने वाली हो? यार कोमल, क्यों ऐसा करती हो तुम? क्या कोमल बेवफा है? शायद। तो चलो यार, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। तुम्हें वीडियो पसंद आया ना? पसंद आया तो यार लाइक करो। इस बार लाइक का एम रखते हैं 30,000। औकात से ज्यादा मांग रहा हूँ क्या? अबे यार, मेरे एक वीडियो पे 3,00,000 लाइक्स है, 4 वीडियो पे 1,00,000 से ऊपर लाइक्स है, तो यहाँ पे 30,000 ही तो मांग रहा हूँ। तो यार लाइक करो और उस सब्सक्राइब बटन को दबा कर यूट्यूब के लाल रंग से टिकटॉक के काले रंग में चेंज कर दो और गुलाबी रंग के इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करो। तो चलो यार, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अब भी आप फैला रखे, अपन इसका पार्ट 2 भी बनाने वाला है ना, मतलब 30,000 लाइक हुआ तो बना भी देगा।